कहेगा प्रेमी श्रोताओं एक रागनी आपके बीच में, उस समय की जब एक श्याम धाम राजा की एक लड़की थी और उसके पेट में सर्प था और उस लड़की की भेंट में हर रोज कोई ना कोई जरूर जाता था। तो एक दिन उस भटियारी के लड़के की बारी आ जाती है और वीर विक्रमा जी भटियारी की शरण में सराय लेते हैं। भटियारी परदेसी को ठहराने की व्यवस्था कराती है, खाना वाना भोजन की व्यवस्था हर तरह की सारी व्यवस्था करा के अपने बच्चे को नहलाने लग जाती। प्रेमी श्रोताओं अपने लड़के को नहलाते नहलाते कभी उसके लाड करने लग जाती है, कभी रोने लग जाती है। तो वीर विक्रमा जीत ने देखा कि भटियारी कदे अपने बालक ने नहवाण लग जावे, कदे इसने पुचकारण लग जावे, कदे इसके लाड लड़ाण लग जावे, कोई ना कोई तो राज जरूर है बात में। तो वीर विक्रमाजीत जी कहने लगे कि रोवण आली मने बता के विपता पड़गी तेरे में और गहरा के दुख दूर गुरु सुइया ताकत से मेरे में, कि आज रोने वाली मने नू बता दे कि तेरी जिंदगी में की परेशानी आ गई जो कि अपने बालक ने नवाते नवाते तू रोन लाग रही है। तो बठियारी कहने लगी कि महाराज जो श्याम धाम राजा की जो बेटी है उसके पेट में सर्प है, हर रोज कोई ना कोई उसकी भेंट में जाता है। तो वो भटियारी रोते हुए वीर विक्रमाजीत को क्या कहती है सुनेंगे रागनी के माध्यम से। हेरे मेरे सासू ननदे जठानी को न्या, अरे मैं ते बेटे पे दिन तो Oh.
झड़िया ना मैं बैठ के कली बेटे के बदले में अगर आप किसी और को उसकी भेंट में जाने दोगे तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा।